ठीक है, अब मैं बताता हूँ माई हॉट टेक एंड देन वी गो बैक टू प्लेइंग सम फीफा। सो आई थिंक ये बात मतलब सुनने को आ गई थी, ठीक है। और देख, दिस वॉज नॉट समथिंग न्यू जो अभी स्काउट ने अनाउंस किया है, ये टाइम से पता था। एंड आई वॉज हैप्पी ऑनेस्टली, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। R&T में एक टाइम पे एक लाइनअप जाने वाली थी, उनका लगभग डन हो ही गया था सारे प्लेयर्स का, तो एक अलग लाइनअप बनने वाला था। मैं नहीं बोलूँगा कौन सी लाइनअप थी, क्या थी क्या नहीं था। फिर ये ऑल ऑफ अ सडन दिस वॉज अ बिग थिंग दैट केम अप। आई थिंक एक और भी अनाउंसमेंट होगा जो स्काउट अपना पर्सनल करेगा उसके लाइनअप का, वो भी गलत सीन है एक, मतलब बढ़िया चीज़ है। मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट भी डाला था, साला किसी को समझ में नहीं आया, क्रिप्टिक ट्वीट। जनता अपनी बावली है, ठीक है। तो वो हुआ था, और उसके बाद आई वॉज हैप्पी कि चलो लड़कों को एक नया घर मिला। और रेवनेंट इसीलिए मैं खुश हूँ क्योंकि देखो एक चैंपियन लाइनअप है, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू लाइनअप है या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि नो भाई, लॉन्डे बढ़िया हैं, डेडिकेटेड हैं, चैंपियंस मेंटालिटी है, और उस तरीके से खेल रहे हैं, समझ रहे हो, वो तो बढ़िया खेल रहे हैं। आई थिंक उनको R&T से अच्छा और तो मिल ही नहीं सकता इस टाइम पे। R&T हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स, रोहित भाई एज अ पर्सन इज अमेजिंग, तो आई थिंक इट्स अ विन विन। मतलब प्लेयर्स को भी देखो, स्काउट चाहे भले महीने का करोड़ भी कमा लेता हो, मतलब 12-15 लाख का जो खर्चा होता है ना, यू कांट जस्टिफाई दैट, समझ रहे हो। उतना पैसा मैं अगर इन्वेस्ट कर लूँ, स्टॉक मार्केट पे लगा लूँ, भाई 3-4 महीने में मेरे पैसे डबल। मतलब प्रॉपरली अगर लगाऊं, कोई एक अच्छा यू नो फंड मैनेजर को दे दूं और वो करे। आप सोचो ना, अभी TX ने क्या क्या जीता है, BGIS और BMPS, जितना भी प्राइस पूल मिला, 30% तो TDS कट रहे, ठीक है, 30% और का कट है, फिर बाकी जो रह गया प्लेयर्स के बीच में बटेगा, तो वो 30% या 40% जो भी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अग्रीमेंट, वैसे 30-40% ही रहता है और का, उसमें आप सोचो कैसे एक ऑर्ग सस्टेन करवाओगे, और वो भी तभी जब आपकी ऑर्ग जीत रही है। ऐसा नहीं कि सेकंड थर्ड आ गए तो भाई कुछ भी नहीं मिलता हाथ में, 10 लाख मिलेगा, 10 लाख का तो वो तुम्हारा महीने का रनिंग कॉस्ट है, कहाँ से पैसा निकालोगे। वो तो अच्छी बात है कि दो बैक टू बैक जीत गए ये वो, पर उससे पहले कौन था, स्पॉन्सर क्या था। 40% होता है, नहीं ये वेरी करता है, 30-40% डिपेंडिंग, कि अगर ऑर्ग बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही है तो 40% रखती है, अगर कम सैलरी दे रही है तो 30% रखती है। तो मुझे समझ आ गया था, लेकिन स्पॉइलर क्यों नहीं देना। काशवी इंस्टा बायो चेक, आई डोंट सी, काशवी इज नॉट इन टू ई स्पोर्ट्स राइट, शी इज इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन। वो जो भी करे, आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, ठीक है। आई एम अ वेल विशर एंड आई एम सो हैप्पी आई मेट काशवी एंड शी वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस वॉज नीडेड यार, क्योंकि मैं भर रहा था, मैं लिटरली उर्वेश को, मतलब उर्वेश तेरा मोगाम्बो इन सबको भरा है, उसमें हम सबको भरा है कि भाई तुम एक चैंपियन टीम हो और तुम्हारी जर्सी खाली है। इधर से बहुत सारे ऑग्स आए हैं, उनकी एटलीस्ट जर्सी पे कोई तो स्पॉन्सर है, एटलीस्ट किड स्पॉन्सर तो है, तुम्हारे पे क्यों नहीं है। एक बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, एंड देन फिर पता चला कि ऐसा ऐसा है, क्या हाल है स्पोर्ट्स स्टैट्स, तो वो सारा चीज़। तो दैट्स द वन थिंग, मतलब अच्छा किया कि ऐसे ऑर्ग में गया जो कि थोड़ी सी स्टेबल है, और प्लेयर्स का फ्यूचर भी थोड़ा सा सेटल होगा, खुद को भी, स्काउट को भी। आई थिंक हर टाइम एक बैक एंड पे चलता है यार, इतना पैसा लगा रहा हूँ महीने को, इतना इतना खर्चा लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं प्रॉफिट में जा रहा है, समझ रहे हो, इट्स स्टिल गोइंग इन लॉस अगर तुम पूरा हिसाब किताब निकालो तो, ठीक है। बूट कैंप चलाओ, प्लेयर्स का ग्रॉसरी सामान, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो, कितना खर्चा होता है तुम्हें पता भी नहीं है। आई डोंट नो इफ ही इंक्लूडेड दैट इन द 10-12 लाख रुपीज़ जो उसने बोला है, तो वो सारा चीज़ रहता है। और R&T से तो आई डोंट थिंक अभी कोई अच्छी ऑर्ग है मेरे हिसाब से। बाकी SAT12 छोड़ने का सीन, आई थिंक दैट विल नो, एज मेरी स्काउट से पर्सनल तो बात नहीं हुई है, मुझे भी समझ नहीं आया क्योंकि द स्पोर्ट्स टीम वॉज गोइंग, वो SA12 छोड़ रहा है तो उसको अभी मैनेज कौन करेगा, इज थग स्टिल गोइंग टू मैनेज हिम, बिकॉज नाउ इज, आई डोंट नो इफ इज अ पार्ट ऑफ SA12 तो नहीं है, तो आई थिंक ही गेट अ न्यू मैनेजर, देल बी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। और उसने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, एंड आई थिंक थग एंड गोल्डी भाई आर लाइक प्रोफेशनल्स इन दिस वे, दे आर वेल विशर्स यार, ऐसे नहीं कि गिलेशिक को लेकर रखेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ W फॉर एवरीबडी, एंड आई थिंक विद स्काउट गोइंग आउट, आई फील लाइक द गेट्स हैव ओपन्ड फॉर समबडी टू टेक हिज प्लेस। सो आई थिंक अब देखते हैं हु इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट बिग स्ट्रीमर और CC दैट SA12 कैन प्रोड्यूस। इज इट गोइंग टू बी समबडी फ्रॉम देयर साइड? आई थिंक अगर
इफ यू हैव टू टेल मी किस पे पैसे लगाओगे, मेरे माइंड में सिर्फ दो ही क्रिएटर्स थे आई थिंक, काश वी ऑल्सो माइट बी लीविंग, तो दैट लीव्स मी विथ जोकर की हवेली. जोकर भाई का कॉन्टेंट तो आई लव इट ब्रो. आई डोंट नो उतनी उनको मतलब, अभी भी वॉचिंग वगैरह सब ठीक आती है, बट ही इज नेक्स्ट लेवल भाई, वो फटेंगे. ठीक है, 4 साल पहले की बात है शायद ना, जब मैंने ये चीज़ बोली थी उस टाइम में भाई बच्चा था मैं, मेरे में दिमाग नहीं था किसको आइडल बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, क्या होता है आइडल क्या नहीं होता है. तो जब अकल आती है इंसान को या जब पता चलता है क्या है क्या नहीं है, किस वर्ड की क्या अहमियत है, किस वर्ड को किस वे में बोला जाता है. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात, बट एक मिनट, 4 साल पहले बोला था, बच्चा था नहीं भाई, 4 साल पहले स्प्रेग आउट कम्युनिटी में कोई जानता भी नहीं था, ठीक है. और उस टाइम पे अगर तुमने जॉनाथन का नाम लिया, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक हिज नेम ओनली बिकॉज ही वाज समथिंग पीपल वर लुकिंग अप टू, उसके जैसा बनना चाहते थे क्योंकि वो बंदा उस टाइम पे पीक में था. बट अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस टाइम पे अकल नहीं थी तो उसका नाम लिया था. यार ये भी तो बोल सकते हो ना कि अब टाइम के साथ आइडल चेंज हो गया, अब मैं उसके लेवल पे पहुंच गया हूं एंड ऑल्सो नाउ माय आइडल हैज चेंज. ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि भाई उस टाइम पे आइडल बोला था क्योंकि समझ नहीं थी. करने वाले हैं 8 बिट जूसी एंड टीम गेमिंग के प्लेयर. जो आई जनरली फील जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, एक एक है लौंडा जो आई पर्सनली मतलब लोग हेट करते हैं, बट मैं इस बंदे से अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं इस बंदे से फ्लाइट पे मिला था और इट्स अ वेरी गुड गाय, सही बताता हूँ. और हम लोग को वाइब बहुत मैच करता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता, आई थिंक ये वन ऑफ दोस फ्यू लोग है जिसकी मैं सोशल मीडिया पर बताता नहीं कि मेरी दोस्ती अच्छी है या फिर मैं मतलब हम लोग ये अच्छी खासी कनेक्शन. तो करते भाई को भी अपना रेड, एक रुको मैं पेस्ट कर रहा हूँ लिंक. कहाँ गया मेरा यूट्यूब भाई, अबे क्या क्रैश क्रश हो जा रहा है भाई, वो पुराने दिन आए थे. क्या लगता है पिलाई देना वाला फिक्स है? अबे ये कौन सा भेड़िया है बे, ऐसा भाई मेरे में गैंग बैंग है बताइयो, ये कौन सा है भाई? सर भाई दिल से आपको सपोर्ट कर रहा हूं एंड विल ऑलवेज सपोर्ट यू एज अ एंड आई वुड नेवर वांट टू सी एनी फाइट बिटवीन ऑल. कभी नहीं होगा सब भाईचारा है, क्या बचाऊं मैं सब भाईचारा है. अपडेट आ गया है, बजाओ लैग हो रहा है तेरे साइड भाई. 12 किल बॉस, कोई तो उनका बैकअप दे रहा है. 12 किल बॉस क्या है बे, क्या लिख रहे हो? इसको फाइट चल रही, फाइट चल रही. ये कौन है? ओ भाई यहां इतनी गाड़ी आ गई है ना भाई, ये वाला पिंक स्किन, आजकल पिंक चीजें बहुत चल रही हैं दुनिया. स्काउट रेड थैंक यू सो मच, क्या हाल है भाई? सही लौंडा चल रहा है सब, मजा 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 कांगो यार पीएमपीएस. थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. ऐसा लौंडा भाई, सही लौंडा, बहुत सही लौंडा. एक स्ट्रीम का मैं चूतिया लग रहा.